सैम वॉल्टन वॉल्टन ने एक छोटे से वैरायटी स्टोर को ग्लोबल बिजनेस एम्पायर में बदलने के लिए कस्टमर फर्स्ट अप्रोच को कैसे यूज किया, और ओक्लाहोमा का एक गरीब लड़का दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे बना। 1992 में उनकी मृत्यु के समय सैम वॉल्टन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, लेकिन वॉल्टन कभी भी अपनी सिंपल शुरुआत को नहीं भूले। उनकी इसी मामूली शुरुआत ने उन वैल्यूज को जन्म दिया जिससे दुनिया के सबसे सफल रिटेल बिजनेसेस में से एक वॉलमार्ट डेवलप हुआ था। दोस्तों 1918 में सैम वॉल्टन का जन्म किंगफिशर ओक्लाहोमा में एक लोअर क्लास परिवार में हुआ था। उनके परिवार के पास बहुत कुछ नहीं था दोस्तों, लेकिन सैम के माता पिता ने यह इंश्योर किया कि उसकी देखभाल अच्छी से की जाए। सैम के पिता थॉमस एक ईमानदार और कड़ी मेहनत करने वाले इंसान थे जिन्होंने अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए कई अलग अलग नौकरियां की थी, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण उन्होंने किसी भी लोन या कर्जे को कभी भी अपने ऊपर नहीं लिया, जिसकी वजह से वह कभी भी अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर पाए। सैम वॉल्टन ने इस बात को समझा और बाद में उन्होंने अपनी खुद की दुकान शुरू करने के लिए लोन लिया। दूसरी तरफ सैम की माँ नैन में एंटरप्रेन्योर क्वालिटी थी। वह अक्सर परिवार के लिए अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए अलग अलग आइडियाज लगाती रहती थी। लेट 1920s और शुरुआती 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान नैन ने दूध का एक छोटा बिजनेस शुरू किया। सैम गायों का दूध निकालते, उनकी माँ इसे बोतल में भरती और सैम बाहर जाके पड़ोस के कस्टमर्स को दूध पहुंचाकर आते थे। तो इन बचपन के अनुभवों ने सैम वॉल्टन को कम उम्र में महसूस कराया कि उन्हें कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। परिवार के लिए पैसा कमाने के अपनी माँ के एफर्ट से इंस्पायर होके वॉल्टन ने अपना पहला काम ढूंढा, और वह सिर्फ 8 साल के थे जब उन्होंने ये काम ढूंढा। उन्होंने पड़ोस के घरों में मैगजीन सब्सक्रिप्शन बेचना शुरू किए और 7th क्लास तक आते आते वह अपनी बाइक पर न्यूज़पेपर को डिलीवर करने लगे। दोस्तों जब वॉल्टन कॉलेज ग्रेजुएट बन रहे थे वो साथ ही साथ पैसा भी कमा रहे थे। वॉल्टन ने असिस्टेंट्स भी हायर किए और अपने पेपर रूट को एक छोटे से बिजनेस में एक्सपैंड किया जो सालाना $5,000 तक का रेवेन्यू बनाने लगा था। तो इन सभी एक्सपीरियंसेस ने यंग सैम वॉल्टन को एक इम्पॉर्टेंट सबक सिखाया कि कड़ी मेहनत रंग लाती है। इसलिए जब तक वॉल्टन 27 वर्ष के थे और अपना पहला बिजनेस वेंचर शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, तो वह पहले से ही जानते थे कि सफल होने और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हमें एफर्ट लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वॉल्टन की सफलता का एक पार्ट दूसरे के अच्छे आइडियाज को क्लियरली कॉपी करना था। 1945 में 27 साल की उम्र में सैम वॉल्टन ने अपना पहला डिस्काउंट स्टोर खोला जिसका नाम उन्होंने वॉल्टन 510 रखा। स्टोर ठीक चल रहा था दोस्तों, लेकिन वॉल्टन जानते थे कि वह इसे बेहतर कर सकते हैं। तो वॉल्टन ने अपने कॉम्पिटिटर्स पर गौर किया और सेल्स बढ़ाने के लिए तरीकों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखा था दोस्तों, इससे उन्हें बड़ी सफलता मिली। दरअसल इनमें से कुछ आइडियाज इतने अच्छे थे कि उनमें से कई को आज वॉलमार्ट में यूज भी किया जाता है। उदाहरण के लिए 1940 के दशक में डिस्काउंट स्टोर्स में कई सारे कैशियर्स का होना एक कॉमन सी बात थी, लेकिन मिनेसोटा के एक स्टोर को विजिट करते समय वॉल्टन ने देखा कि इसमें केवल 2 डेडिकेटेड चेकआउट काउंटर थे और दोनों स्टोर में आगे की तरफ लगे हुए थे। उन्हें कैशियर के नंबर कम करके पैसा बचाने का आइडिया बहुत पसंद आया और इसे उन्होंने अपने स्टोर में यूज किया। एक कॉम्पिटिटर के स्टोर में सामान डिस्प्ले करने के लिए लकड़ी की अलमारियों का उपयोग देखकर वॉल्टन को एहसास हुआ कि इससे भी पैसे बचाए जा सकते हैं। हालांकि वॉल्टन ने इसे एकदम आगे ले लिया, उन्होंने अपनी सभी अलमीरा को मेटल की अलमीरा में बदल दिया। हालांकि अलमीरा दिखने में अच्छी नहीं थी, लेकिन इन्हें लगाकर वॉल्टन अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में अपनी प्राइजेस कम कर रहे थे। सफलता मिलने के बाद भी वॉल्टन ने कभी भी अच्छे बिजनेस आइडियाज को कॉपी करना बंद नहीं किया। जब उन्होंने 1975 में अपने एक सप्लायर को विजिट किया तो उन्होंने देखा कि कैसे दिन की शुरुआत करने से पहले वह स्टाफ को इकट्ठा करता है, अपनी कंपनी के लिए चीयर करता है। वॉल्टन ने देखा कि इस एक्टिविटी ने एम्प्लॉयज के मोरल को कैसे बढ़ाया था। इसलिए अमेरिका लौटने पर उन्होंने बेंटनविले अर्कैनसस के अपने फ्लैगशिप स्टोर में वॉलमार्ट चीयर्स करवाना शुरू किया। वॉलमार्ट के एम्प्लॉयज ने राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के लिए भी तब उनका चीयर परफॉर्म किया था जब वे उनके स्टोर में विजिट करने आए थे। वॉल्टन गर्व से राष्ट्रपति के चेहरे को देखकर कह सकते थे कि उन्होंने कभी किसी एम्प्लॉय ग्रुप को इस तरीके से उत्साहित होते हुए नहीं देखा था। इस फिलॉसफी को उन्होंने अपने पूरे करियर में जारी रखा दोस्तों। जब वॉल्टन ने 1969 में अपना 18वां वॉलमार्ट स्टोर खोला तो इसकी कम प्राइजेस, लंबे समय तक खुले रहने और फ्री पार्किंग की फैसिलिटीज के कारण
कस्टमर उनके स्टोर की ओर अट्रैक्ट हुए। इन सब के बावजूद वॉल्टन को उन सालों में अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए लोगों से काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला, क्योंकि कई लोगों के हिसाब से वॉल्टन का बिजनेस छोटे बिजनेसेस के लिए हानिकारक था। लेकिन जैसा कि वॉल्टन ने देखा, यह उनकी गलती नहीं थी कि शहरों में वॉलमार्ट के आने पर लोकल कॉम्पिटिटर बिजनेस से बाहर जा रहे थे। आखिरकार कस्टमर्स को यह चुनने का हक था कि वह कहाँ से खरीदारी करें, और यदि वह वॉलमार्ट को चुनते हैं तो इसका यही कारण हो सकता है कि लोगों के लिए लोकल स्टोर की तुलना में उनकी ज़रूरतें वॉलमार्ट में बेहतर तरीके से पूरी होती हैं। वास्तव में वॉल्टन का मानना था कि उनकी कस्टमर फर्स्ट फिलॉसफी ने लोकल बिजनेसेस की मदद भी की है। वॉल्टन अन्य बड़े रिटेलर से डरे नहीं, उन्होंने महसूस किया कि कॉम्पिटिशन ने वॉलमार्ट को मजबूत बनाया है। सैम वॉल्टन की बिजनेस फिलॉसफी ने एक सवाल उठाया कि कॉम्पिटिशन से क्यों बचा जाए, जबकि इसका सामना करके हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल कंपटीशन को देखकर ही वॉल्टन सेल्स करने की इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज को बनाते थे। वॉल्टन ने स्वीकार किया कि बिना केमार्ट के कंपटीशन के वह इस तरीके के बड़े प्रमोशन के बारे में शायद सोच भी नहीं पाते, और ये स्ट्रैटेजीज या तरकीबें आज भी उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस का हिस्सा है। इस तरह के कॉम्पिटिशन से कस्टमर्स का भी फायदा होता है दोस्तों। 1977 में अरकैनसस के लिटिल रॉक में वॉलमार्ट के पास केमार्ट से भयंकर कंपटीशन चल रहा था, जो अभी नया नया खुला था दोस्तों। केमार्ट प्राइसेस की इतनी भारी कटौती कर रहा था कि वॉल्टन को एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने मैनेजर को इंश्योर करने के लिए कहा कि उनके स्टोर का सारा सामान अगर केमार्ट की तुलना में सस्ता नहीं है तो कम से कम उनकी प्राइजेस पर तो हो, जिन प्राइजेस पर केमार्ट उसे बेच रहा है। वॉल्टन अपने डिसीजन से पीछे नहीं हुए और अंततः केमार्ट ने अपनी जिद छोड़ दी। इस अनुभव ने वॉल्टन को एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाई कि एक बड़े कॉम्पिटिटर के आ जाने पर वॉलमार्ट की कीमतें जितनी कम हो सके उतनी कम होनी चाहिए, ताकि ग्राहक सेटिस्फाई रह सके। वॉल्टन को पता था कि सफलताओं का जश्न कैसे मनाया जाए और कैसे असफलताओं से सीख ली जाए। सैम वॉल्टन अपने करियर के दौरान कभी धीमी गति से नहीं चले। जब भी सफलता आती तो वह आगे बढ़ने के मोमेंटम का उपयोग करके उस सफलता को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन वह मानते हैं कि उन्होंने रास्ते में कुछ गलतियां भी की है। उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ने उन्हें लगभग अपनी कंपनी को खोने के कागार पर ला दिया था। 1974 में वॉलमार्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वॉल्टन ने फैसला किया कि वह रिटायरमेंट का आनंद ले सकते हैं अब, इसलिए उन्होंने अपने दो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट में से एक रॉन मेयर को CEO बनाकर प्रमोट किया। लेकिन इस कदम से रॉन मेयर और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट फेरोल्ड अरेंड के बीच बहुत अनबन पैदा हो गई दोस्तों। इसका रिजल्ट हुआ कि कंपनी दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो गई और वॉलमार्ट की शेयर की कीमतें इतनी कम हो गई कि वॉल्टन समझ ही नहीं पाए कि क्या वे अपनी कंपनी को बचा पाएंगे या नहीं। हालांकि इस डिजास्टर के बाद भी वॉल्टन आगे बढ़ते रहे। उन्होंने तुरंत खाली हुई पोजीशंस को भरने के लिए नए मैनेजर्स हायर किए और मेयर को रिप्लेस करने के लिए पुराने दोस्त डेविड ग्लास को राजी किया। ग्लास बेहद टैलेंटेड साबित हुए और उन्होंने पूरे डिजास्टर को ही पॉजिटिविटी में बदल दिया दोस्तों। अपने नेतृत्व यानी लीडरशिप पावर से वॉलमार्ट ने सभी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया और उनकी सेल्स तुरंत लगभग बढ़ गई। फिर 8 साल बाद वॉल्टन ने एक ऐसे इवेंट का जश्न मनाया जिसे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 1984 में वॉलमार्ट एक फाइनेंशियल माइलस्टोन पर पहुंची। कंपनी को 8% प्री टैक्स प्रॉफिट हुआ था दोस्तों। वॉल्टन ने ग्लास के साथ शर्त भी लगाई थी कि ऐसा कभी नहीं होगा। जब वॉल्टन ने शर्त हारी तो ग्लास ने उन्हें हवाई आउटफिट पहनाकर वॉल स्ट्रीट पे घुमाया, जहां उन्होंने उकुलेले प्लेयर्स के साथ एक हुला डांस भी परफॉर्म किया दोस्तों। तो स्वाभाविक रूप से प्रेस आश्चर्यचकित था कि सबसे पहले CEOs में से एक ऐसे कुछ मूर्तापूर्ण काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन वॉल्टन का कहना था कि यह वॉलमार्ट की फिलॉसफी का हिस्सा है। बहुत अमेजिंग है दोस्तों, वॉलमार्ट पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा एग्जाम्पल पुटअप किया है वॉलमार्ट ने। इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे रैक्स टू रिचेस कोई इंसान पहुंचता है दोस्तों। वॉल्टन ने ग्रो करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स पर गौर किया और हर उस प्रैक्टिस को बिना किसी शर्म के यूज किया जो उनके कस्टमर्स को फायदा पहुंचा सकती थी और उनके बिजनेस की कॉस्टिंग कम कर सकती थी। सैम वॉल्टन कॉम्पिटिशन से डरते नहीं थे, वो मानते थे कि कॉम्पिटिशन से क्यों बचा जाए, जबकि इसका सामना करके हम और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों सैम वॉल्टन एक छोटे शहर से बने
अपने वैरायटी स्टोर को ग्लोबल रिटेल एम्पायर में डेवलप करने में सफल रहे हैं।